देखिए जो बिकेगा वो मरेगा, इस आंदोलन में जो बिकेगा जो समझौता करेगा वो मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं कि कोई उसका मर्डर करेगा, मरने का मतलब ये है कि जनता में जो साग है वो खत्म हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें विभिन्न तरह के संगठन है, विभिन्न तरह के नेता हैं, और सरकार ये जानती है, ये हमारे आंदोलन की कमजोरी है। सरकार भी ये जानती है कि भाई ये विभिन्न तरह के लाल झंडा, हरा झंडा, पीला झंडा, काला झंडा सब इकट्ठे हो गए हैं और देर सवेरे इनमें फूट पड़नी है। सरकार तो बहुत कुछ जानती है, ये सरकार जानती है, लेकिन हालात तो ये है कि जो इस आंदोलन से गद्दारी करेगा, जो इस आंदोलन में समझौता करेगा, वो जनता के अंदर बिल्कुल नंगा हो जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं बचेगा। इसलिए अभी ये पोजीशन नहीं है। नहीं सर, आपको नहीं लग रहा, आप बहुत समझदार आदमी है, इस बॉर्डर पे हमने देखा आपकी बातें सुनी है और भाषण भी दिया है कि बहुत इस टाइम बहुत ज़रूरी समय है कि किसान नेताओं को अब रणनीति बना लेनी चाहिए, कोई ना कोई काम कदम उठा लेना चाहिए। आप एक बात बताइए, मुझसे ये सवाल कर रहे हो, इस वक्त हर आदमी, हम खुद भी का इतना डर है कि इतना डर शेर का नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आम जनता में ये डर बैठा हुआ है। इस वक्त अगर हम कोई रणनीति बनाए, एक तो ये कि हम अपनी तरफ से रणनीति तो बनाए, और ज्यादा जरूरी हो गया ना सर। नहीं है, एक तो ये कि हम रणनीति बना के आगे बढ़े, एक ये कि सरकार हमारे साथ छेड़छाड़ करे, हम उसका जवाब दें। अब सरकार अपनी जगह बैठी है, हम भी अपनी जगह टिके हुए हैं। सरकार रणनीति की बात ये रही कि देखिए पंजाब में और हरियाणा में अभी कल को जो है लॉकडाउन के खिलाफ पूरे पंजाब और हरियाणा के अंदर विरोध में लोग उतरेंगे, बाजार खुलेंगे, सड़कें खुलेंगी, सब कुछ होगा। इसके बाद 10 तारीख को फिर एक बड़ा कार्यक्रम करने का अभी तय नहीं हुआ है। नहीं, ये जो किसानों ने कॉल दिया सही कॉल है आपके नज़र से? ये सही कॉल है? हाँ बिल्कुल सही कॉल है। तो फिर यूपी वाले क्यों नहीं दे रहे उत्तराखंड वाले? यूपी वाले इसलिए नहीं दे रहे कि यूपी वाले उस स्थिति में नहीं है। हमें अपने देश, अपने सूबे की जनता का भी तो देखना होगा। मतभेद है? हम मतभेद नहीं है। और अरे भाई एक बात बताइए, आपको अपने खेत का पता है क्या बोना है, कब बोना है? उन्हें अपने खेत का पता है। तो अलग अलग हैं फिर दोनों? अलग अलग इस मायने में नहीं है, अलग अलग आंदोलन के कदम लेने में है। अभी तक जो कॉल आती रही है, जो फैसले होते रहे हैं, वो पूरे देश के लिए होते रहे हैं। इसमें पंजाब वालों ने और हरियाणा वालों ने अपने ही सूबे के लिए क्यों तय किया, पूरे देश के लिए क्यों नहीं तय किया? इसीलिए तय नहीं किया, इसलिए नहीं मैंने नहीं किया। वो ये जानते हैं कि कहाँ ये कॉल सफल हो सकती है और कहाँ असफल होगी। तो इसलिए नहीं है इसका मतलब यूपी में? किसमें? यूपी में। किसका? यूपी उत्तराखंड में आप लोगों का, गाजीपुर बॉर्डर वाले किसान? नहीं नहीं, इतना प्रभाव नहीं है इस बात को स्वीकार करने में। कौन कौन मना कर रहा? अरे भाई जो आंदोलन की स्थिति पंजाब की और हरियाणा की है, ये बात तो हम शुरू में ही बोल रहे हैं कि वो आंदोलन की स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं है। और वो पंचायत चुनाव में दिखाई दिया 660 इतनी मिली है, तो ये कम प्रभाव से मत रहा है। लेकिन वो मिली कहाँ, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अरे भाई वो ठीक है, अभी इसके बारे में तो मैं गांव-गांव सर्वे नहीं किया मैंने, मैं इसके बारे में क्या टिप्पणी करूँ आपको, लेकिन कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों का जो प्रभाव है, वो जो भाजपा के प्रति एक लहर थी, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर का इतिहास दूसरा है, वहाँ पर पंजाब और हरियाणा है, वहाँ के किसानों का और मजदूरों का एक निरंतर लड़ाई का इतिहास है, यूपी का लड़ाई का इतिहास नहीं है। यूपी के अंदर जो है जाति के और धर्म के इतने विभाजन हैं कि इतने भारत के किसी भी सूबे के अंदर नहीं है। इसका कारण यह है, अगर हम इस आंदोलन को भी लें तो पंजाब ने 5 मई को बिल पास हुए, 10 मई से उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। सरकार ने हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे, 45 लोग उन्होंने बंद किए, कोरोना का मुकदमा लगा गया। फिर पंजाब के अंदर उन लोगों को छुड़ाने के लिए, बिना शर्त छुड़ाने के लिए पूरे पंजाब के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए, नतीजा ये स्टेट सरकार को पीछे हटना पड़ा। असल में देखिए उत्तर प्रदेश का और क्या नाम आपका उत्तराखंड का जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पे आया है, वो अपने आप से आंदोलित होकर नहीं आया, बल्कि उस आंदोलन के असर से, मजबूरी में नहीं उस आंदोलन के असर से वो आंदोलन में आया है। क्यों आपको नहीं लगती मजबूरी है, जब सरकार कह रही है कि पंजाब हरियाणा का आंदोलन है बच्ची? नहीं, ये मजबूरी नहीं है, और बल्कि देखिए दो तरह की फोर्स होती हैं, एक तो वो होती हैं जो किसी लड़ाई को खड़ा करती हैं और मजबूती से उसका नेतृत्व करती हैं, एक वो फोर्स होती हैं उस लड़ाई से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर उस लड़ाई में शामिल होती है।
तो यूपी और उत्तराखंड के किसान की जो स्थिति है वो इसमें शामिल होने की है, इसकी भूमिका निर्णायक तौर पर इसको संचालित करने की नहीं है। लेकिन सर चुनावों की अगर हम बात करें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं बहुत छाती पीट रहे, हम पिछले 5.5 महीने से देख रहे हैं, लेकिन जब पंचायतों के चुनाव के नतीजे आए हैं तो सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को कहीं से वोट मिला है तो मुजफ्फरनगर सर बागपत से मिला। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो वोट की बात है इससे किसी भी पार्टी का या संगठन का वजूद का तय नहीं होता। आप जो यहाँ हार जीत होती है वो वोट के परसेंटेज पर नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वो जीत माना जाता। और यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि जब विपक्षी वोट बिखर जाता है तो जीतने वाला वोट कम, बहुत कम परसेंट पे भी वो प्रतिनिधि बन जाता है। तो वोट बिखर कैसे रहा था, ये तो सरकार भी मना लेंगे फिर ऐसे तो सर। नहीं नहीं, बिखरता ऐसे है कि जो विपक्षी वोट है वो बिखर गया और पर कुल टोटल वोट का कम परसेंट वोट किसी जीतने वाले को मिल गया। किसान तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी नेता तो गांव में जाएगा ही नहीं, एंट्री नहीं कर सकता, तो जीत कहां से रहे हैं वो? नहीं, ये बात अभी यूपी में तो नहीं हुई है, हरियाणा में और पंजाब में हुई है। क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई कॉल भी नहीं दी है, ऐसी कोई कॉल? बालियान का विरोध नहीं हुआ था जब गाँव? विरोध वो हुआ है, बालियान का विरोध हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। देखिए जो चेतना का स्तर है आंदोलन के प्रति वो पंजाब और हरियाणा से नीचे है, और पश्चिमी, हाँ पश्चिमी यूपी से भी अगर पूर्वी यूपी को हम ले तो और नीचा है। मतलब नेता पूरी दुनिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और चेतना सबसे कम है यहाँ पर? ये कोई ज़रूरी नहीं होता यार, ये तो नेता तो वो 28 की घटना से वो नेता बन गए, लेकिन नेता बनने का मतलब ये थोड़ा ही है कि जनता के अंदर चेतना पैदा हो गई। जनता का नेता के प्रति लगाव बढ़ सकता है, लेकिन आंदोलन के प्रति लड़ाई का जज्बात पैदा होना एक अलग सवाल। तो वो एक एक्सीडेंट था? एक्सीडेंट तो था ही, वो उसमें अगर हम भाग जाते तो सरकार जीत जाती, हम टिक गए तो सरकार पीछे हट गई, हम हीरो बन गए। लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर पे तमाम समस्याएं आ रही हैं, जैसे बाथरूम हो या पानी नहीं है पीने के लिए, ठंड में तो यहाँ ट्रक के ट्रक उतर रहे बोतलों के, अब बोतल नहीं है यहाँ, पानी नहीं है पीने के लिए, हाँ टैंकरों का पानी पी रहे हैं किसान। हाँ ये समस्याएं कुछ बढ़ रही हैं और इसमें कुछ सरकार की ओर से तो हमारे लिए कोई प्रतिबंध प्रबंध पहले ही नहीं था। हमारे लिए जो दानदाता लोग थे वो ये सारा अरेंजमेंट कर रहे थे। दानदाता लोगों की कुछ कमी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दान तो आया भी, खट्टा तो है, वो कहाँ गया दान? दान दान एक तो पैसे के रूप में आता है, एक वस्तुओं के रूप में आता है। तो जो वस्तुओं के रूप में दान आ रहा था उसमें कुछ ब्रेक लगा है। जो दान दाता तो है से भी आया ना सर, गांव-गांव ने इकट्ठा करके अभी मैंने कहा कि पैसा और वस्तु दो चीज़ें अलग अलग हैं। अब पैसे की जहां बात है तो पैसा अलग चीज़ है, वस्तु अलग चीज़ है। अभी इस समय पूरा मार्केट बंद है तो उसमें बताइए पैसा लेकर लोग गैस के लिए घूम रहे हैं, नहीं मिल रहे? पैसा लेकर दवाइयों के लिए घूम रहे हैं, नहीं मिल रही? पानी का भी स्थिति यही है, ये बताओ जब प्लांट तक बंद कर दिए इन्होंने तो पानी कहाँ से आएगा? दिक्कत जरूर है, लेकिन एक जो और दिक्कत है वो ये है कि यहाँ मेडिकल कैंप जो हैं बंद हो गए सारे, वो नाके बराबर है। नाके नहीं सर, बंद हो गए, गाजीपुर बॉर्डर पर कोई मेडिकल नहीं, नहीं है कैंप। ऐसा नहीं है कि मेडिकल कैंप बिल्कुल बंद हो गए हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से मेडिकल कैंपों की कमी है और सरकार इसकी तरफ शुरू से ही कोई ध्यान नहीं दिया है कि मेडिकल कैंप यहाँ होना चाहिए। बॉर्डर के लोगों ने, बॉर्डर के नेताओं ने अपने स्तर से ये किया हुआ है और अपने स्तर से दोबारा से इसको संचालित तो कर रहे हैं। मानते हैं आप सुविधाएं कम हो गई हैं? हाँ सुविधाएं कम हुई हैं, तभी लोग जा रहे हैं। लोग तो नहीं जा रहे, लोग तो आ रहे हैं, और ये तो बात आप ठीक नहीं कह रहे। लोग तो 200 किसान नहीं थे, लोग तो, हाँ लोग तो अब आने शुरू हो गए हैं, आ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं 10-20 लोग। और एक हफ्ते में आपको ये बॉर्डर जो है ये मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहता लेकिन उजड़ा हुआ नहीं लगेगा जो अभी लग रहा है, जो अभी लग रहा है। कहाँ रणनीति में फेलियर है आप लोगों का? रणनीति में हम लोग कहीं फेलियर नहीं है। देखिए अब सरकार भी पीछे हट गई है, हमारे किसान भी थोड़ा निश्चिंत हो गए हैं। दूसरी बात, हमारी रणनीति ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को रखने का इस कोरोना काल में कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। किसान नेता कब तक बैठाएंगे किसानों को ऐसी सड़क पर, कब तक संघर्ष करवाएंगे? देखिए संघर्ष का आगे क्या रूप निकलेगा ये सरकार के ऊपर है, हम पीछे पीछे हैं, सरकार के आगे नहीं है।
सरकार ने हमने बॉर्डर पर रोक दिया, हम बैठे हैं, सरकार हम पर लाठी पटकेगी तो हम आंदोलन का कोई और रूप लेंगे। हमें रोटी घर भी खानी है, अभी खानी है।